कराची को 1100 बिलियन रुपए मिल रहे हैं, अच्छी बात है। हुकूमत को दो साल हो गए, दावे से कहता हूं, इमरान खान ने आवाम से किए वादे पूरे नहीं किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू की, कहा मौलाना इस्तीफे की बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो किस बुनियाद पर इस्तीफा दें? शहबाज शरीफ की इस्तीफे की बात करते तो ठीक भी लगता, अगर असेंबलियों से इस्तीफा देना ही है तो फिर सबको इस्तीफा देना चाहिए। तो अच्छी बात है, मैं उसको क्यों नेगेटिव सोचूं? जब नहीं मिलेगा तब बात करेंगे। इमरान खान ने जो वायदे किए थे वो वफा नहीं किए। आर्टिकल 62-63 क्या है कि झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं करना, फ्रेम नहीं करना। दावे से कहता हूँ, हुकूमत में आए हुए इसको 2 साल 1 महीना हो गया है, अगर उसने एक भी वायदा जो कौम के साथ उसने किया या धोखा किया या फ्रेम किया वोट लेने के लिए, वो ही काफ़ी है। शहबाज शरीफ तो समझ में आती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, और बिलावल भुट्टो किस बुनियादों पर इस्तीफा दे? एमएनएशिप से इस्तीफा दे? अगर मौलाना साहब का ये सोच है कि वो एमएनएशिप से इस्तीफा दे तो हम सबको देनी चाहिए, फिर आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं है।